मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टोमेटो सॉस की रेसिपी। इसे हम घर पर ही रेडी करेंगे। फ्रेंड्स, टोमेटो सॉस जो मार्केट से मिलता है उसमें कई तरह के केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं, और साथ ही इस बात की भी कोई गारंटी नहीं होती कि वो टमाटर से ही बना है या किसी और चीज़ से। तो आज हम इसे घर पर ही रेडी करेंगे। फ्रेंड्स, ये बेसिकली जो है टमाटर की ग्रेवी है, और जो बहुत ही वर्सेटाइल है, जो कई चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ये एक बार आपके पास बनी हुई हो तो आप इसे कई तरह की चीज़ें बना सकते हैं और आपका काम बहुत ही ईजी हो जाएगा। सबसे पहले तो इस टमाटर की ग्रेवी से आप टोमेटो सूप बना सकते हैं, जो मैं आपको इस रेसिपी में बनाकर भी दिखाऊंगी। अगर ये टोमेटो ग्रेवी आपके पास है तो टोमेटो सूप बनाना बहुत ईजी है, और ये 2 या 3 मिनट के अंदर बिल्कुल रेडी हो जाता है। और इस टमाटर की ग्रेवी से आप चीज़ मंचूरियन, चीज़ चिली बना सकते हैं। तो अगर आपको चीज़ मंचूरियन ग्रेवी वाला बनाना है तो आप इसकी एक छोटी कटोरी लेंगे ग्रेवी की, और उसमें एक कटोरी पानी ऐड करेंगे तो आपका चीज़ मंचूरियन विद ग्रेवी रेडी हो जाएगा। और यदि आपको उसको ड्राई रखना है तो आप उसको उसमें पानी ऐड भी करेंगे, और इसी तरह ही चीज़ चिली में आप उसकी एक छोटी कटोरी ऐड कर देंगे तो आपका चीज़ चिली रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो है ना कई घंटों का काम बिल्कुल मिनटों में आसानी से हो जाएगा। तो आप इसको जब भी आपको लगे कि मार्केट में जो टमाटर हैं वो सस्ते हो गए हैं, तो आप काफ़ी सारे जो टमाटर हैं उनसे आप ये ग्रेवी प्रिपेयर करके एडवांस में रख सकते हैं। और साथ ही इस टोमेटो सॉस को आप स्नैक्स में यूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चे इस टोमेटो सॉस को बहुत इंजॉय करेंगे, और ये मार्केट से भी कहीं ज़्यादा हेल्दी होगा और आपको बहुत ही बजट फ्रेंडली भी रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने ली हैं 6 से 7 कलियां लहसुन की, 4 से 5 साबुत लाल मिर्च, ये फ्रेश वाली हैं, आप सूखी साबुत लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही मैंने लिए हैं 8 से 10 टमाटर, आप टमाटर की क्वांटिटी भी अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो अब है मैं इन्हें थोड़े छोटे साइज़ में कट करके मिक्सी में बारीक पीस लूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इन्हें छोटे साइज़ में कट कर लिया है, अब इन्हें मिक्सी में बारीक पीस लेते हैं। ये सारा मिक्सर मैंने मिक्सी में पीस लिया है, और अब मैं इसे छलनी की हेल्प से छान लूँगी। छलनी की हेल्प से छानने से ये फ़ायदा है कि जो इसके बीज और जो छिलके रह जाते हैं वो ऊपर रह जाएंगे, और हमें एक नीचे एक स्मूथ पेस्ट मिल जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें टमाटर का स्मूथ पेस्ट मिल गया है। अब मैंने वोक में ऐड कर लिया है 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल, और साथ ही अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर की प्यूरी। अब इसे अच्छे से चलाते हुए हमें मिक्स करना है। फ्रेंड्स, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करने से जो इसका कलर है वो काफ़ी अच्छा आएगा। अब इसमें ऐड करेंगे फ्रेंड्स कुछ स्पाइसेस, जैसे कि 1/2 टेबल स्पून नमक, 1 पिंच के करीब लाल मिर्च, 1/4 हल्दी पाउडर टेबल स्पून, और 1/2 टेबल स्पून के करीब जिंजर पाउडर, जिसे हम सौंठ पाउडर भी बोलते हैं। इसकी जगह पर आप अदरक लेकर भी उसे टमाटर के साथ पीस सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने 1/2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर लिया है शुगर। इसमें टमाटो सूप की रेसिपी में हम 2 से 3 टेबलस्पून शुगर ऐड कर सकते हैं, ये टोटली आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे 5 से 10 मिनट पका लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, जिसे मैंने 2 टेबलस्पून पानी में अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लिया है। तो फ्रेंड्स, हमें कॉर्नफ्लोर को थोड़ा थोड़ा ऐड कर मिक्स करना है। एकदम से सारा कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो इसमें लम्स बनने की प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम इसे थोड़ा थोड़ा ही ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें अब सारा कॉर्नफ्लोर ऐड कर लिया है। अब इसे 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से हम चलाकर पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर कितना बढ़िया आया है, और इसकी कंसिस्टेंसी भी अब ठीक हो चुकी है। ठंडा होकर ये थोड़ा और ठीक हो जाएगा, और टेस्ट में तो ये फ्रेंड्स सुपर अमेजिंग होता है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून विनेगर। विनेगर इसमें थोड़ा प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, और साथ ही मैं 1 पिंच के करीब इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला। अब इसे हमें लगातार चलाते हुए 2 मिनट और पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो टोमेटो सॉस है वो बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब इसे करते हैं सर्व। तो फ्रेंड्स, मैंने जो ये टोमेटो सॉस है वो एक बाउल में निकाल लिया है, और अब मैं आपको बताऊँगी कि इस टोमेटो सॉस से हमें टोमेटो सूप कैसे बनाना है।
तो फ्रेंड्स ये है 4 से 5 टेबलस्पून के करीब टमाटो सॉस। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3/4 कटोरी पानी की और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए चलाएंगे। 1 मिनट तक इसे बॉयल आने तक पकाना है। इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि हमने टोमेटो सॉस को पहले ही बहुत अच्छी तरह से पका लिया है। थोड़ी सी फ्रेंड्स मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून के करीब ऐड करूँगी शुगर, क्योंकि बच्चे जो हैं वो टोमेटो सूप को थोड़ा सा मीठा ही पीना पसंद करते हैं। बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही शुगर काफ़ी कम ऐड की थी इसमें। और लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ 2 से 3 साबुत काली मिर्च। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा जो सूप है रेडी टू सर्व है। तो चलिए अब इसे करते हैं सर्व। तो फ्रेंड्स देखा आपने कितना इजी है टोमेटो सॉस से टोमेटो सूप बनाना। तो मुझे आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और इसे ट्राई ज़रूर करें। और मैं इस टोमेटो सूप को गार्निश कर रही हूँ फ्रेश मलाई से। आप इसकी जगह पर फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।